वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिसेंट राइडर दीपेश, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने कमेंट्स में मेरे को बोले हैं कि प्लीज एक रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर और ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्विन का कंपैरिजन वीडियो हमें चाहिए, तो आप लोगों की जो वो राय मेरे को, सजेशंस, कमेंट्स मिले, तो उसको ध्यान में रख के मैं दोनों मोटरसाइकिल को लेके आया हूँ। थैंक्स टू माई फेलो राइडर विनोद अधिकारी, जिन्होंने मौका दिया है इंटरसेप्टर को यहाँ पे लेके आने का। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो के मैं आपको मैं ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्विन और रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बिकॉज इन माय ओपिनियन बोथ बाइक्स, हालांकि शेयर करते हैं रोडस्टर क्लासिक सीरीज का प्लेटफॉर्म, बट बोथ बाइक्स आर डिफरेंट इन इट्स ओन सेगमेंट, ओन इरा में दोनों डिफरेंट है। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्रायम्फ और रॉयल एनफील्ड दोनों ब्रिटिश ओरिजिन की मोटरसाइकिल्स हैं। रॉयल एनफील्ड जो कि 1901 में स्टैब्लिश हुई थी और ट्रायम्फ जो कि 1902 में स्टार्ट हुई थी। हिस्ट्री की बात इतने ही करते हैं, अब चलते हैं अगर हम रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर के पास आते हैं, तो सबसे पहले जो दिल है गाड़ी का, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर में 650 सीसी का इंजन है, जो कि आपको ऑन एन एवरेज 54 न्यूटन मीटर का न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और इट कैन इजिली प्रोड्यूस अप टू 48 ब्रेकिंग हॉर्स पावर। गाड़ी जो है 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आती है, जो कि रॉयल एनफील्ड का अपने जितने भी उसके बाइक्स हैं सबसे पहली बार यूज किया है रॉयल एनफील्ड ने इसमें। ये बाइक जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे है, ऑयल कूल कंपनी बाइक्स में देरी है, एंड दिस इंजन इज द पैरेलल ट्विन 270 डिग्री फायरिंग इंजन। तो जो 270 डिग्री का फायरिंग है, उससे जो रंबलिंग साउंड है, उस रंबलिंग साउंड को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो रॉयल एनफील्ड ने इस बार ब्रेम्बो को साइड में हटके उसी की ही एक सब्सिडियरी कंपनी बाइब्रे का यूज किया है। ड्यूल चैनल उन्होंने एबीएस स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड में दिया है। डबल पिस्टन आपको आगे डिस्क मिलेगा, जबकि पीछे रॉयल एनफील्ड सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेकिंग असेंबली दे रही है। रॉयल एनफील्ड ने इस बार अपने पायली के सस्पेंशन को ब्रेकआउट किया है और उसकी जगह पे उन्होंने गैब्रियल के सस्पेंशन यूज किए हैं। नो डाउट दोनों सस्पेंशन अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। पर्सनली रॉयल एनफील्ड ने काफी चीजें अडेप्ट की है ट्रायम्फ से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, जो ये रॉयल एनफील्ड का एंग्रेव्ड फुटमार्क्स के ऊपर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इधर एक बार दिखाएं, ये जो आपको एंग्रेविंग देख रही है फुटमार्क्स के ऊपर, दिस ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, दिस इज अडेप्टेड बाय द रॉयल एनफील्ड, और ये अच्छी बात है ताकि जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी की बाइक मिले। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें बाइक में, तो बाइक में आपको एक फ्यूल इंजेक्शन मैंने बता दिया आपको, एबीएस मैंने ड्यूल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड दिया है, बट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपको इसमें कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या जो हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिक फील्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेगा। बाइक में कोई भी एबीएस जो है आप लोग उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है बाइक में, ना ही गियर इंडिकेटर स्विच है, ना ही क्लॉक है। हालांकि मैं समझता हूं एक गियर इंडिकेटर स्विच और अगर टाइम देखने के लिए क्लॉक होता है तो दैट वुड बी प्लस पॉइंट फॉर द रॉयल एनफील्ड कस्टमर्स। अब अगर हम बात करें ट्रायम्फ की, तो मैंने ट्रायम्फ बताया 1902 में एस्टैब्लिश हुई थी, ब्रिटिश ओरिजिनेट की मोटरसाइकिल है। इंजन जो गाड़ी का दिल है उसकी बात करते हैं, 900 सीसी है, 55 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और जो इसका टॉर्क है बहुत ही ज्यादा इमेंस है, दैट इज 80 एनएम ऑफ टॉर्क इट कैन प्रोड्यूस बिकॉज ये 900 सीसी है। सेम इंजन का जो स्पेसिफिकेशन जो है प्लेटफॉर्म, दैट इज 270 डिग्री का पैरेलल ट्विन इंजन, ये भी यूज कर रही है ट्रायम्फ। इस गाड़ी में आपको ड्यूल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलेंगे और निसिन का जो आप देखेंगे ट्रायम्फ यूज कर रही है, निसिन के ब्रेक असेंबलीज यूज कर रहे हैं। आगे डबल कैलिपर का पिस्टन ब्रेक असेंबली है और पीछे भी डबल कैलिपर का पिस्टन ब्रेक असेंबली है। अब बाकी की इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और बात करें तो बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जो कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसी के साथ आपको बाइक में एक गियर इंडिकेटर स्विच मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का सुविधा मिलेगी आपको, क्लॉक मिलेगा, ओडोमीटर वगैरह मिलेगा। तो अगर मैं अब कंपेयर करूं तो इंस्ट्रूमेंट वाइज ट्रायम्फ यहां पे लीड कर रहा है, बट प्राइसिंग वाइज
बिलीव मी, इससे ज्यादा बेस्ट डील और कहीं पे भी नहीं है। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ऑब्वियसली ट्रायम्फ आपको जो है अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहा है, रॉयल इनफील्ड में आपको एल्यूमिनियम स्पोक्स व्हील्स मिलेंगे जो कि अच्छा भी है बिकॉज ऑफ रोडिंग में स्पोक्स व्हील्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल साबित हुए हैं। माइलेज की बात करूं तो रॉयल इनफील्ड का कहना है कि दिस बाइक कैन इजिली गिव यू अप टू 30 और 35 के बीच में एवरेज आपका रफली ये क्लेम कर रही है। और ट्रायम्फ जो कि तारीफ के काबिल है, ट्रायम्फ भी अगर आप हाईवे में इसको 100 के अंदर अंदर रखते हैं तो 28 से 30 के बीच में आपको एवरेज देती है। अब आते हैं प्राइसिंग की बात पे, गाइज कोई कंपैरिजन नहीं है, दिस इज रिफाइंड, दिस इज ऑल्सो रिफाइंड, बस एक रहता है ना, एक गैस्टेड ए ऑफिसर रहता है, एक गैस्टेड बी ऑफिसर रहता है, तो सिर्फ उसी का फर्क है। एंड बीइंग अ पैरेंट कंपनी ऑफ इंडिया रॉयल इनफील्ड जो कि इंडियन है, तो इसको प्राइसिंग में बेनिफिट मिला है, दैट्स वाई रॉयल इनफील्ड ने इसको 3 और 3.5 लाख के प्राइस के गैप रेंज में निकाला है, जबकि ट्रायम्फ जो है अभी तक बाहर से ही बन के इंडिया में सेलिंग हो रही है, तो इसलिए जो टैक्स वगैरह का इशू है ट्रायम्फ को ज्यादा करना पड़ रहा है, दैट्स वाई दिस बाइक इज लिटिल बिट ऑन द कॉस्टलियर साइड। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि आप सारी गाड़ियों की रिस्पेक्ट कीजिए, कोई भी गाड़ी ना कम होती है ना ज्यादा होती है, एंड आई एम अ बाइकर तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ट्रायम्फ की भी और रॉयल इनफील्ड की भी, एंड आई कैन नॉट कंपेयर द बोथ बाइक्स। थिंग इज दैट कि लोग बोलते हैं वो सस्ती है तो वो लो और जिसके पास पैसा है तो ये लो, दैट इज अप टू यू गाइज, बोथ बाइक्स आर फ्लॉलेस। छोटी 19-20 का फर्क रहता है जो कि मैं इजहार नहीं करना चाहूंगा, नॉर्मल चीज टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं कि नो हार्श फीलिंग्स फॉर द रॉयल इनफील्ड, नो हार्श फीलिंग फॉर द ट्रायम्फ, दोनों मोटरसाइकिल्स आर वेरी रिस्पेक्टेड कंपनीज। लाइक आप एक जगह रोलेक्स की वॉच खरीद रहे हैं और एक जगह टाइटन की वॉच खरीद रहे हैं, दोनों वॉच बहुत ही अच्छे हैं, दोनों वॉच आपको टाइम दिखाते हैं, दोनों वॉच रिफाइंड है, बट रोलेक्स अपनी जगह है, टाइटन अपनी जगह है, तो सेम गोज विद द रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर एंड द ट्रायम्फ स्ट्रीटविन। मेरी तरफ से बस गाइज यही है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ भी कमेंट रहता है आपका या कुछ भी आप सजेशन या आइडियाज मेरे को देना चाहते हैं तो प्लीज डू राइट मी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी वीडियोज और लेते आऊंगा। आई होप मैंने किसी के भी इंटेंशन या किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है, मेरे लिए रॉयल इनफील्ड, ट्रायम्फ, कावासाकीज, होंडाज, हार्लेज सभी एक है, इट जस्ट आई लव बाइक्स एंड आई लव एंड आई रिस्पेक्ट द मोटरसाइकिल्स। दैट्स इट फॉर द टुडे, टेक केयर गाइज एंड प्लीज डू वेयर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, साइनिंग ऑफ, डिसेंट राइडर दीपेश, बाय बाय।